Hey, what's up guys? We're back with a new video. तो guys, Nothing Company ने यहाँ पे एक in-app update release किया है Nothing Widgets के लिए, जो currently यहाँ पे NothingOS 2.5.0 में available है। ये वाला जो application है, ये वाला हमारे Nothing One में supported नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, the phone isn't compatible with this app, यानी कि NothingOS 2.0.2 में ये supported नहीं है, यानी कि Android 13 में। ये वाला application यहाँ पे Android 14 में supported है। और इसमें यहाँ पे एक छोटा सा update यहाँ पे निकल के आया है। What's new section में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तो guys, यहाँ पे देखिए, add 1:1 कंपस विजेट। ऑलरेडी आपको पता होगा कि 2:2 कंपस विजेट यहाँ पे देखने को मिलता है NothingOS 2.5.0 में, यानी कि पहले भी देखने को मिलता था NothingOS 2.0.3 जब हमारा Nothing Phone 2 उसमें रन कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कंपस कैन बी एडेड टू द लॉक स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज द फोटो विजेट। NothingOS 2.5.0 के साथ यहाँ पे काफी न्यू फीचर्स आए थे, उसके साथ यहाँ पे फोटो विजेट भी आया था। मैं आपको दिखाया भी था पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा हो तो वाला वीडियो चेकआउट जरूर करना, सभी फीचर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो कंपस विजेट कुछ इस तरह का देखने मिलता है, ये 2:2 है एंड ये भी 2:2 यहाँ पे सेट है। देखते हैं यहाँ पे विजेट्स में, आपको दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को पहले। एंड यहाँ पे देखिए, कंपस में 2:2 है, उसके बाद फोटोज में यहाँ पे 2:2 एंड स्क्वायर में यहाँ पे 2:2 देखने मिलता है। तो क्या करते हैं, सिंपल इसे अपडेट करते हैं, प्ले स्टोर पे फिर से चलते हैं और इसका मैं आप लोगों को साइज दिखा देता हूँ पहले। कितना एमबी का अपडेट है यहाँ पे, 2.70 MB का ये अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड इसे देखिए, ये वाला जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया था 11 अक्टूबर 2023 को, जैसे यहाँ का हमें यहाँ पे अपडेट यहाँ पे मिलना चालू हुआ था NothingOS 2.5.0 का, जो है ओपन बीटा में, अभी ओपन बीटा 1। तो अपडेट करते हैं इसे, तुरंत हो जाएगा वैसे, 2.78 MB का अपडेट है इंस्टॉलिंग। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वापस विजेट सेक्शन खोलते हैं एंड टाइप करते हैं कंपस में। तो गाइस यहाँ पे देखिए, कंपस यहाँ पे छोटा वाला भी देखने को मिल रहा है 1:1 का। तो इसे होल्ड करके होम स्क्रीन में लेके आते हैं। ओके, आ चुका है एंड इसे टाइप करते हैं। ओके, इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन इस तरह का देखने को मिल रहा है, जब ये नॉट जब टच होगा ना तो वाइब्रेशन एक फील आता है, ठीक है। ऊपर वाला भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो कुछ इस ओके एक टाइम में एक ही वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला वर्क कर रहा है। अब मैं इस पर अगर टाइप करूंगा तो ऊपर वाला बंद हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे रेड डॉट देखने मिल रहा है, बाकी यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बस नॉर्थ का ही देखने को मिल रहा है, जैसे हमको यहाँ पे देखो यहाँ पे देखने को मिलता था। मैं काम करता हूँ फिर से, पूरा घुमा के देख लेता हूँ। ओके, जिस तरफ यहाँ पे नॉर्थ है वो देखिए एरो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। उसके बाद उन्होंने बताया था कि दैट कंपस कैन बी एडेड टू द लॉक स्क्रीन, इसीलिए इसी को यहाँ पे 1:1 का यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये कंपस विजेट आप लोग लॉक स्क्रीन भी ऐड कर सकते हो। तो क्या करते हैं, लॉक स्क्रीन में हम लोग यहाँ ऐड करते हैं। तो सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन में एंड लॉक स्क्रीन विजेट्स में। तो डिम लाइट को हटा के यहाँ पे मैं कंपस विजेट को ऐड करता हूँ, यहाँ निकाल देते हैं इसे। एंड यहाँ पे कंपस विजेट यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा, इसे होल्ड करके लेके आते हैं ऊपर, टैप करते हैं सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, कंपस विजेट आ चुका है। और बड़ा वाला भी लगा सकते हैं हम लोग शायद से, हाँ बड़ा वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉक करते हैं स्क्रीन को एंड यहाँ पे देखिए, दोनों भी कंपस विजेट आ चुके हैं यहाँ पे। एंड इसे वर्क करने के लिए हम लोग को सिंपल टैप करना है, कुछ इस तरह के यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। और इस पर हम लोग टैप करते हैं, ओके ये यहाँ पे भी वर्क कर रहा है अच्छे से। तो इस तरह के यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं लॉक स्क्रीन में। उसके बाद यहाँ पे फोटोज विजेट यहाँ पे ऑप्टिमाइज होकर आए, देखते हैं सेटिंग्स में कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या। तो पुराने वाला स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे डिफरेंस तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ग्रे स्केल प्रीव्यू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ पे ग्रे स्केल हो चुका है। एंड उसके बाद मैं करता हूँ इसे, यहाँ पे फ्रेम ऐड करते हैं, फ्रेम को भी ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेम भी आ चुकी है, तो फिर से एडिट पे जाते हैं एंड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस फोटो को, फोटो सिलेक्शन। यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो फोटो जो भी ऐड करना चाहते हो एंड ऑटोमेटिकली शफल आप लोग डिसाइड कर सकते हो आवरली एंड डेली। ऑन अनलॉक पे ये ऑटोमेटिकली दूसरा यहाँ पे फोटो आ जाएगा। तो लॉक करते हैं वापस एंड यहाँ पे देखते हैं फोटो स्विच होता है नहीं होता है, वापस करते हैं। ओके, ये स्विच हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन क्या है यहाँ पे, यानी कि कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं फोटोज विजेट में। इतने छोटे से चेंजेस यहाँ पे ऐड किए गए हैं नथिंग विजेट्स एप्लीकेशन में। एंड करेंटली ये अवेलेबल तो नहीं है नथिंग फोन वन के लिए, नथिंग फोन का जब एंड्रॉइड 14 अपडेट आएगा तब ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जो करना, शेयर जो करना, कमेंट करना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू नथिंग फोन 2 या नथिंग फोन 1, तो मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय। दिस द न्यू वेव, टर्न इट अप। आई एम इन द बैक सीट चिलिंग विद योर गर्ल, व्हाट्स अप, शी वांट टू टॉक ऑल डे बट आई एम नॉट इन द मूड, आई एम ट्राइंग टू डांस ऑल नाइट, आई गॉट समथिंग टू डू, आई मेक हिट्स फॉर द पीपल एट होम इन द रूम्स, लुकिंग फॉर अ रीजन टू गेट आउट ऑफ इट सून।